अगले दिन जब मैं उठता हूँ तो मेरे को बहुत क्लियर पिक्चर में दिख रहा था कि निकी के साथ तो आई डोंट हैव एनीथिंग नाउ, सो आई नीडेड अ परफॉर्मर टू परफॉर्म। क्या सीन है फिर तेरा शिवम के साथ, क्या चल रहा है? कल घंटों तक वेट किया फिर भी वो नहीं आया, देन मैं बहुत रोई यार। मैंने मौके पे एक चौका मारा, मेरे को भी एक लड़की की जरूरत थी सिर्फ परफॉर्म करने के लिए और उसको भी एक लड़के की जरूरत थी। तेरा और मेरा डिट्टो सेम ही है लगभग ना, क्योंकि निकी ने भी मेरे को बाद में सुनने में आया कि शी वाज लाइक, उसने सैम से बोला कि आई थिंक ध्रुव इज नॉट माय कनेक्शन। एटलीस्ट उसने तुझे बोला, मेरे से नहीं बोला, सैम से, सैम को बोला। सो द थिंग इज आई थिंक अपना जो भी है कुछ हो सकता है, सो अगर आज कुछ चैलेंज ऐसा होता है मैं बोल रही हूँ कि लेट्स गिव इट अ बेस्ट इन दिस टास्क। मैं हमेशा किसी और के लिए खेलती थी, आज पहली बार मैं अपने लिए खेलूँगी, अपने आप को बचाने के लिए, तो चल ऑल द बेस्ट। आई वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि मुझे पता था मैं किसके साथ में परफॉर्म करने वाली हूँ, और शिवम के साथ में तो बिल्कुल नहीं करने वाली थी मैं। Congratulations for winning the Silver Connection Challenge. आज रात आपको मौका मिल रहा है डेट पे जाने का with any three people of your choice from the Silver Villa. मैं बहुत खुश हो जाता हूँ and मेरे दिमाग में सबसे पहले चीज आती है कि this is your time to sort everything out with Bhumika Arushi. तो obviously दो लोग तो decided थे and I needed someone जो थोड़ा सा mood lighten करे and उसके लिए मैंने निकिता को choose किया। लास्ट टाइम मैं जब डेट पे गई थी मुझे लड़के को इम्प्रेस करना था, आई थिंक इस बार स्पिजुला ने मुझे मौका दे दिया कि लड़के मुझे इम्प्रेस करे, सो आई एम वेरी हैप्पी। पहले मैंने चूज किया शिवम को, देन जय को, देन गैरी को, ये भी मेरे लिए बहुत अच्छा मौका था टू फाइंड द आइडियल मैच फॉर मी। हेलो, हाय, कैसे हैं आप? तीनों लड़के आए, सबसे ज्यादा हैंडसम मुझे शिवम लग रहा था, रंग बिरंगी बनकर वो आया था, पूरी मिर्ची लाइट लग रहा था शिवम, मेरी आंखें तो उसी पे अटक गई। फिसल गई मैं तुम लोगों को देख के जरा सा ना। भाई गॉड कह रहा हूँ, आसमा वो आसमा नहीं है, वो एक आठवां अजूबा है इस दुनिया का, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, परफेक्ट बैठता उस पे। You are the cutest girl in the villa. सच में? सच में। तो मैंने आपको डे वन में बोला था। हाँ यार। क्यूटी पटूटी। पूरे स्पिजुला में कोई लड़की नहीं है, सारे बोरिंग है, मैं बता रही हूँ तुम लोगों को। लड़के? लड़कियाँ। लड़कियाँ बोरिंग है सारी। मैडम तो छोड़ दो। कोई इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है मेरी जैसी। मैं सिंगल पीस हूँ, वन एंड ओनली। मैं जा जाती हूँ, अटेंशन मेरे पे ही होता है। वो जैसे वो जब भी मेट में वो करीना कपूर बोलती है ना, मैं अपनी फेवरेट हूँ, मैं अपनी फेवरेट हूँ। वो बात किसी में नहीं थी जो मुझ में है। दिमाग खराब हो गया मेरे, हो क्या रहा है भाई आप, ये लड़की क्या बंदी है भाई। तो आज तुम लोग मेरे साथ डेट पे आए हो, तुम लोग मुझे किस तरह से इंप्रेस करोगे? आपको कभी किसी लड़के ने गुलाब का फूल दिया है या प्रपोज किया हो? गुलाब का फूल देके? नहीं, गुलाब का गुलदस्ता दिया है। एक गुलाब की बात कर रहे हो? मेरे पास एक्चुअली गुलाब का फूल तो नहीं है, पर मैं गुलाब को गुलाब का फूल क्या दूँ, तो एक ये छोटा सा पिंक फ्लावर है, तो उस गुलाब के फूल से पूछो कि दर्द क्या होता है। गैरी भाई सुन लीजिए। हाँ मैं वेट कर रहा हूँ। उस गुलाब के फूल से पूछो कि दर्द क्या होता है। हमेशा की तरह ही स्टार्टर द शायरी, और वो सुन के मुझे नींद आ रही थी। इधर देखिए ना, आंखों में तो देखो। नहीं नहीं नहीं, खत्म होगी तो उठा लेना। शायरी खत्म तो उठा लेना। ऐसी लड़की इस दुनिया में शायद एक ही पीस है। आठवां अजूबा मेरे सामने था, इतना सा आठवां अजूबा, और इतने बड़े शिवम शर्मा की वाट लगा रखी थी। पचवला की फर्स्ट डेट है तुम्हारी है, तो इसको यादगार बनाओ। शिवम भाई एक यादगार पे एक कुछ? नहीं नहीं, करवाओगे मुझे? एक काम करना गैरी, यू आर गुड डांसर, नो एक डांस करके दिखा दो। हाँ डांस करके दिखाना गैरी, और मैं बोलती हूँ मेरे साथ डांस करो तुम। हाँ तुम दोनों डांस करो। हाँ हाँ चलो आओ आओ।
ऐसे करना है और क्या, यू हैव टू प्रूव। अब मेरा एक पैर यहाँ जाएगा। ओके सालसा, ओके ओके, आई नो दैट सालसा का कुछ कुछ स्टेप्स आई नो। सॉरी सॉरी, तुम तो मुझ पे जुल्म कर रहे हो, डेट पे नहीं करना मुझे डांस। बाल निकाल दिए, चार बाल हेयर फॉल हो गए मेरे। सॉरी, I'm so sorry। डांस करते करते गैरी ने मेरे बाल खींच लिए और मेरे चार बाल निकल गए। इतना दर्द हुआ मुझे। So sorry वैसे। So okay, कोई बात नहीं। ऐसा क्या किया जाए कि आप इम्प्रेस हो जाए? आप बताइए, आप खुद ही हमें बता दीजिए। मैं क्यों बताऊँ, तुम लोग को कुछ करना पड़ेगा फिर मैं बताऊंगी मैं इम्प्रेस हुई या नहीं। आपको क्या अच्छा लगता है? बड़ा ही एक्सपेक्टेशन, कुछ तो होगा ना? मुझे स्पिजुला में अभी कनेक्शन बनाना है मेन। मुझे आइडियल मैच चाहिए मेरा। मुझे ओरेकल के सामने जाना है, ओरेकल देवी जो है हमारी स्पिजुला की, तो मुझे ओरेकल देवी के सामने जाना है। आपको क्या एक्सपीरियंस, लव एंगल क्रिएट होना चाहिए? मुझे ट्रायंगल पसंद है। मुझे लग रहा था मुझे ओरेकल देवी के पास इनमें से किसी एक को चुनना चाहिए, तो वो एक्चुअली हो सकता था शिवम, क्योंकि वो मिर्ची लाइट की तरह लग रहा था, मेरी तरह। मैं जहाँ जाती हूँ चमकती हूँ और वो भी जहाँ जाता है चमकता है। अगर मेरे को इस डेट के बाद अगर पावर मिलती है एक लड़के को चूज करने की, तो मेरे साथ कोई परफॉर्म करना चाहेगा तुम तीनों में से? मेरा तो डे वन से कनेक्शन है। हाँ। अवंत्या के साथ। हाँ। So, I'll stick to her। तो तुम उसके स्टिकर हो, मुझे पता है। मरी नहीं जा रही हूँ तुम्हारे लिए। oh, कि मैं तुमसे ये वो है ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। ओके हाँ चलो गैरी को हम कट कर देते। इग्नोर गैरी, यू आर इग्नोर्ड। कट। तो मैं चले जाऊँ क्या? श्योर, यू कैन लीव। ओके बाय गैरी, गुड नाइट, गो बी अ स्टिकर टू अवंतिका। भाई उठ और जा अवंतिका का स्टिकर बन के, उसको स्टिक हो जा और यहाँ से निकलो। तो अभी तुम दोनों को ना पुशअप्स करने पड़ेंगे। ओके 100 पुशअप्स करने। 100 ओके हाँ। लेट्स गो आप काउंट कीजिए, एक वहाँ पे एक यहाँ पे, और मैं इधर बीच में रुक के यहाँ पे काउंट करूंगी। आपने कभी सुना है डेट पे फिटनेस चैलेंजेस भी होते हैं? 12 13 50। अब हम जाते हैं हमारी पूल डेट की ओर, जो थी व्योमेश के साथ एंड वी वर थ्री गर्ल्स, मी निकिता एंड भूमिका। डेट सेटअप बहुत ही ज्यादा रोमांटिक था, बट माय माइंड एंड माय हार्ट वाज नॉट रेडी टू गो फॉर द डेट, क्योंकि मेरी व्योमेश से लड़ाई हुई थी और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था डेट पर जाने का। जैसे तीनों लड़की आती है, मैं तीनों की शक्ल देखता हूँ। भूमिका भी चिड़ी हुई होती है, आरुषि भी चिड़ी हुई होती है, और भाभी मेरे को निकिता का एक स्माइलिंग फेस दिखता है ना, लाइक चलो भाई कोई बंदी तो है जिसका मूड ठीक है आज डेट पे। तो भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि आई एम लकी एज गाय हियर, क्योंकि मैं दूसरी डेट पे आया हूँ विद थ्री गर्ल्स अगेन। पता क्या, तेरी आवाज ना ऐसे होकर और भी अच्छी लग रही है। ऐसे मेरे को लग रहा है तेरे पे ये बात ज्यादा सूट कर रही है। शी इज फ्लर्टिंग विद यू। आज है रोमांटिक नाइट, बन जा मेरा मिस्टर राइट। शी इज ऑलवेज फ्लर्टिंग विद मी। मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था उस डेट पे। आई वाज फीलिंग अनवांटेड, आई वाज फीलिंग लेफ्ट आउट। लुक एट हर। व्हाट अबाउट आरुषि? आरुषि तो डजंट गिव अ f ऑन व्योमेश। यू रिमेंबर मी? यू फॉट विद मी नो। You were like, don't talk to me, Arishi, don't talk to me, Arishi. I swear on God, no girl has ever pissed me this much jitna Arishi ne mere ko do din ke andar kiya. Why did you choose me for the date? You fought with me, you were like, maine teri shakal nahi dekhni hai kabhi. I was fighting with Gary. I was being aggressive, obviously, do ladkon ki. जब लड़ाई होती है तो उसमें आई एम बीइंग एग्रेसिव। अगर ये उस टाइम पे मेरे से बात करती माय नेम एंड आई वांटेड टू मेक, बट यू डोंट जंप इन द फाइट लड़कों के बीच में ना, बिकॉज आई कैन नॉट टॉक टू यू लाइक दैट। अगर तेरा नाम भी लिया ना, थोड़ा सा अगर तू सोचती तो रुक जाती वहां पे, आई वुड हैव केम टू यू, आई वुड हैव टॉक्ड टू यू। हमारा डेट पर भी झगड़ा हो गया और बहुत ही गुस्सा आ रहा था मुझे, बिकॉज मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था उस डेट पर। आई वांटेड टू गेट आउट ऑफ दैट डेट।
गाइस फर्स्टली मैं एक बात बोलती हूँ, यू बोथ नीड टू ग्रो अप, ओके? फर्स्टली, सेकंडली यू बोथ आर वेरी स्टबर्न. एक लाइन बोलती हूँ, आई शुड डू दिस, लेट मी टॉक नाउ, लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस. आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग, बिकॉज़ यू कम एंड आस्क मी सो मेनी टाइम्स, यू आर नॉट लिसनिंग टू द एंटायर स्टोरी. द थिंग इज, द थिंग इज, व्हाट ही इज टेलिंग मी, ही इज टेलिंग द सेम थिंग टू हर, व्हिच इज पिसिंग मी ऑफ. Acting like a gentleman doesn't make you a gentleman, be Umesh. Wake up. हम जाते हैं अभी. बात नहीं हो पा रही. I think कि दोनों को सामने होना चाहिए जब हम बात करते हैं. If you wanna go, I'll catch you later. Okay. Bye. Okay, I'll talk to you. Yeah, later. Bye. I was date में बिल्कुल interested नहीं थी. So मैं चाहती थी कि मैं वापस जाऊँ and I leave these people and let them like do whatever drama they wanna do, but just without me. मैं वैसे तो यहाँ पे इसलिए आया था कि थिंकिंग अबाउट मैं अपने कनेक्शन को चेस करूँगा या आइडियल मैच के लिए जाऊँगा, बट जितनी हमारी फाइट्स अभी चल रही है तो मेरे को लगता नहीं अभी सही टाइम है कि वी नीड टू कनेक्ट अभी. तो यू दैट्स राइट. तो लेट्स डू वन थिंग, जो तेरे को सही लगती है तो वो कर, ट्राई फाइंडिंग सम कनेक्शन यहाँ पे. आई एम नॉट रूटिंग फॉर यू like anymore. Okay. Since you said वहाँ पे खड़े होके चिल्ला चिल्ला के तू तेरे से तो मैं कभी ज़िंदगी भर बात नहीं करूँगा. Arushi, I don't want to fight. I'm not fighting. I'm just saying. I'm just saying. You don't gang up on your friends. I'm not ganging. I have no gang only. चल ठीक है. चल I'll be performing with Bhumika for now. Please go. Okay. So I'm gonna spend some time with Bhumika. Yeah, please. Thank you. Just because Arushi was so pissed and woman se lade ja rahi thi, even though I wanted to select Arushi, main Arushi ko select nahi kar paya and I chose Bhumika. Why did you call me on this date, by the way? I wanted to sort things out, but I don't know kya laga tere ko sahi hai. Oh, when you said that you don't want to talk to me, it was very clear ki mereko, I have like, main kyun karu aise insaan ke saath perform, who doesn't know how to talk. Arushi, I'm sorry that I called you. मेरी गलती, आई शुडंट हैव. यू शुड बी, दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ. सही बोल रही है. ठीक है यार, चल ठीक है आरुषि. हर बार ही ऐसा. ओके. क्यों बीच में ये दीवारें हैं, बढ़ने लगी ये दरारें हैं, है वजह. आई जस्ट वॉकड ऑफ डेट के बीच में क्योंकि व्योमेश ने डेट पर बोल दिया बहुत ही क्लियरली कि उनको गेम में आगे भूमिका के साथ ही जाना था. And mera and Vyomesh ka connection was over. Yara matlab hi the teri yariya. Jab hum challenge location par pahunche to kafi interesting sa setup tha. It was very colorful, very like playful games jaisa kuch lag raha tha, so we were all very excited. Baby, you're my top tucker. Top tucker. This is MTV Splitsvilla 13, co-powered by Philips Haircare, Manforce, Denwood Deodorants and On Premium Innerwear. Aur ye hai aapka agla golden opportunity challenge. Who's excited? Everyone. Everybody. आज के चैलेंज में आप लोग पार्टिसिपेट करोगे नॉट एज इंडिविजुअल, नॉट एज अ पेयर, बट एज अ ट्रायो. एक लड़का और दो लड़कियां. लोग बोलते हैं प्यार में इफ देयर इज अ वुमन विद यू, प्यार में लेडी लक होता है. हमारे पास डबल द लक है, दो दो लड़कियां. आज के गेम था ऑल अबाउट लेडी लक. सो आई थिंक मैं लकी हूँ और मैं ये टास्क जीत जाऊंगी. आसमा, आपको अपनी टीम में चूज करना होगा एक लड़का और एक लड़की. व्योमेश, आपको सिलेक्ट करनी होंगी दो लड़कियां जिनके साथ आप ये चैलेंज करने वाले हैं, और वो लड़कियां भी सिल्वर विला से ही होंगी. सर, अदिति और जय. अदिति और जय, जाके उनके साथ खड़े हो जाओ. मुझे लग रहा था कि आसमा शायद मेरा नाम लेंगी उस चैलेंज को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि बाकी उसे बहुत अच्छी डेट मेरी गई थी.
चॉइस व्योमेश, मैं भूमिका और अवंतिका के लिए जाऊंगा। आसमा, यू विल चैलेंज वन गर्ल फ्रॉम द गोल्ड विला एंड व्योमेश यू विल चैलेंज एनी अदर गाय फ्रॉम द सिल्वर विला। सर मैं इनसे बात करूं क्या? कर लो। किसको करें? कैट। कैट। आसमा ने सिलेक्ट करा कैट को। आई मीन इज देयर एनी कंपैरिजन? लाइक कैट इज हियर एंड आसमा इज समवेयर लाइक देयर। कैट, यू एंड पलक विल बी डेफिनेटली परफॉर्मिंग इन द सेम टीम, लेकिन आपको एक लड़की की जरूरत है। यू चूज कि वो लड़का निखिल होगा या केविन होगा। केविन। केविन? या। व्योमेश, किसको चैलेंज कर रहे हैं आप? ध्रुव को चैलेंज करूंगा। ध्रुव, आपके साथ इस चैलेंज में कौन सी वो दो लड़कियां हैं जो परफॉर्म करेंगी? सर, रिया एंड जानवी। ऑलराइट, वी हैव आवर फोर टीम्स फॉर टुडे। आज के गोल्डन अपॉर्चुनिटी चैलेंज का नाम है स्क्रैच मैच एंड विन। इस बोर्ड पे 30 स्क्रैच कार्ड्स हैं, इन पे एक्टिविटीज हैं जो दो बार हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज कलेक्ट करनी है, लेकिन एक एक्टिविटी को कलेक्ट करने के लिए आपको दोनों कार्ड्स चाहिए। Need to make a match. But how are we gonna scratch? Oh. ये पहना होगा लड़कों ने और लड़कियों को लड़के के हाथ और पांव पकड़कर उनको ऐसे घसीटते हुए स्क्रैच करना आज पहदम दिखने वाला था। तो यार, मेरे तो पैर पहले से दर्द होने लग गए थे। 80 किलो के बंदे को मैं कैसे उठाऊंगी? पहले राउंड में आप लोग एक्टिविटीज कलेक्ट करें, उसके बाद जो एक्टिविटीज हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो आपको करने हैं। So the top two teams with the highest score will win this challenge. Ready? Yes, sir. Yes, sir. You can see कि वहाँ पे लड़कों के नाम लिखे हुए हैं। निखिल, जल्दी से वो टोकन उठा लो और ऊपर पहुँच जाओ। कौन एक दूसरे का गेंद जाएगा और किसको चांस मिलेगा अपना घिसने का वहाँ पे, वो डिसाइड करने वाले थे हम। तो हम एक-एक करके ऊपर जा रहे थे और डाइस डाल रहे थे। गो फॉर इट। तीन स्ट्राइकर डाले जो गिरे मेरे में, व्योमेश के में और जैके में। तो मेरे को ये तो हो गया था कि चल पहले राउंड में मेरे को मौका तो मिलेगा। ओके, ऑल थ्री ऑफ यू गो। Oh, they already have the little hearts on their bum bums. Scratch. Oh, my. Oh, my. Oh, my. Oh, my. Oh, my. Oh, उठाते हुए ऐसा लग रहा था कि खेत जोत रहे हैं भाई, हल चला रहे हैं उसको उठा के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो 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 चलो। अरे मेरे को इधर से उठा। ध्रुव जो दिखने में पतला है लेकिन वो इतना खाता है, इतना सांड था वो, तो भगवान ही जाने। मजा तो बिल्कुल नहीं आया मुझे। उसको उठाने में मेरे लिए एक बहुत बड़ी पनिशमेंट थी। जल्दी कर और कर और कर और कर। या गुड जॉब। यस, हो गया हो गया, ये हो गया। नकलची बंदर। जैसे ही हमने कार्ड स्क्रैच करा तो उस कार्ड में लिखा था नकलची बंदर, पर क्योंकि वो हमें सिर्फ एक कार्ड मिला था, दूसरा कार्ड नहीं मिला था, तो वो चैलेंज अभी हमारे नाम नहीं था। जब बॉयज लोग ऐसे स्विश स्विश करते अच्छा लगता है। तो तीन अलग अलग, तीन अलग अलग लड़के। One, two, three.
अपने दिल की प्यास बुझाओ। केविन पहले इतना छोटा था और जैसे वो अपना स्क्विशी स्क्विशी कर रहा था वो बहुत प्यारा लग रहा था। When I was standing out, मैंने व्योमेश को एक हिंट दिया। If you scratch this card, you'll definitely match it. I thought he will let me have it. Go for it. Oh! रुकावट के लिए खेद है। मैं और केविन के सामने exactly वो कार्ड पड़ा होता है and हम दोनों जाके उस कार्ड पे कूद जाते हैं। अब कौन उठेगा? So he was trying to race me for that one card. Yomesh, play fair, bro. ये करते हैं। Come on, bro. ये कर। I wanted that card very badly. I was expecting Kevin कि भाई वो आए, वो बोले कि तू ले ले Yomesh, मेरे को भी need नहीं है. But at that time, Kevin actually disappointed me. Wake up. सब एक-एक करके आ रहे थे, strikers डाल रहे थे, और हम लोग सब card collect कर रहे थे, लड़कों को उठा के उनका पिछवाड़ा रगड़ रगड़ के. Final scores: Dhruv 2, Asma 4, Vyomesh 3, Cat 6. Well done. I got both of them. I was very happy. Today, सबको पता चला कि I'm not only a performer, but I'm also the luckiest man in the world. सबसे पहला एक्टिविटी होगा Happy Birthday. Happy Birthday to you. किसका था वो? Happy birthday आपका है। उनको बाकी में से कोई भी चैलेंज कर सकता है कि इस एक्टिविटी में हम तुम्हें हरा सकते हैं। अगर तो जिसका एक्टिविटी है वो जीत गए तो उनको मिलेंगे 2 पॉइंट, लेकिन अगर उनके चैलेंजर जीत गए तो उनकी टीम को मिलेगा 1 पॉइंट। कौन चैलेंज करना चाहता है आसमान की टीम को? ध्रुव की टीम। ओके ध्रुव, थैंक यू आसमान। तो ओनली रीजन मैंने ध्रुव को चैलेंज दिया, मुझे लगा आगे चल के वो भी हमें चैलेंजेस देंगे। चलो देखते हैं अब ध्रुव कितना खड़ा उतरता है। बर्थडे पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या दो चीजें होती हैं? केक। पार्टी बॉल। गर्ल्स खाएंगी केक, लड़कों को पड़ेंगे बर्थडे पंप। जिस भी टीम की गर्ल्स ने केक पहले खा लिया वो टीम जीत जाएगी। हम तो फिर भी केक खा लेंगे, लेकिन बर्थडे बॉम्ब्स मिलने वाले थे जय को। मैं बहुत खुश थी कि मारो इसके पिछवाड़े पर लाते जितनी मार सको। अब आई वाज लाइक यार कहां फंस गया, पर मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, चैलेंज है, जीतना है, इतना कर सकते हैं। Ready girls? Yes sir. Boys ready? Yes sir. 3, 2, 1, go. प्रिया को खत्म हो गया, जल्दी खाओ। प्रिया जल्दी। आत्मा को खत्म हो गया, जल्दी खाओ। लड़कियां सीधा केक पे टूट पड़ी। हप्शी हो गई था, हॉप हॉप हो गई थी, खाए जा रही थी। तरह से जानवी केक खा रही थी, पूरा अपने हाथों को खराब करके, मुंह को खराब करके, as if she was some maniac. Yummy, yummy. आधा केक तो मैंने ऐसे ही अपने हाथ में उठा के मैं खाने लग गई थी। आजमा को देखा तो वो बहुत छोटे छोटे बाइट ले रही थी और बेचारे जय को काफी रज के लाते पड़ गए। बर्थडे के लिए बर्थडे बॉम्ब्स तो बनता है। I was showing him love. It's all love. Okay, we have a winner.
Well done. It is Team Dhruv. Well done. One point to you guys. चारों टीम में से पहली टीम जिसको एक पॉइंट मिला, so I was very happy. Next, let's nacho. Let's nacho. दोनों टीम में से आपके और चैलेंजर में से दो लोग आएंगे जिसने सबसे खराब डांस किया. Oh shit. Off beat dance. ऐसा डांस जो सबसे खराब हो और उसको देख के मतलब मजा आ जाए. वैसे तो मैं अच्छा डांस करता हूँ, मतलब बीट पे नाचता हूँ, पर उस टाइम दिमाग में ये था कि चैलेंज जीतना है. कौन कौन चैलेंज करना चाहता है इनको? भूमिका. Who do you want to pick? Kevin. ध्रुव. Team Dhruv. Wow. Back to back to back. ध्रुव के पास सबसे कम वोट्स थे, इसलिए I thought I'll keep giving Dhruv the opportunity to perform. कि वो टारगेट था. I didn't want Yomesh and Jai to win. Can we have some music, please? इस राउंड के विनर है ध्रुव. इसमें तो मैं ध्रुव को मान गई. बकवास चीजें करने में तो वो बहुत एक्सपर्ट है, तो बकवास डांस उसने बहुत अच्छी तरीके से किया और हमें मिला एक पॉइंट. नेक्स्ट वन, बाइट बाइट बेबी. बाइट बाइट बेबी में यू हैव टू प्रिटेंड टू बी एन एनिमल एंड देन प्रिटेंड टू बाइट द वन पर्सन यू डोंट लाइक. तबाके तुम डॉगी. इस बार मैंने सेलेक्ट किया कैट को. मैं सोच रही थी हर जगह पे मैं सबको दूंगी मौका ताकि वो लोग मुझे फेवर रिटर्न करेंगे. अदिति इज गोइंग. एंड फ्रॉम टीम कैट, केविन. द रियल लाइफ एनिमल. मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बंदा आया. देयर इज वन गाय दैट बॉक्स. बेटा वार्निंग नहीं दूंगा. देयर इज वन गाय दैट बाइट्स. Go for it. Go. Go. कुत्ते. केविन ने तो भाई क्या कैरेक्टर पकड़ा. वो क्या कुत्ता बना. मेरे को एक मिनट के लगा भाई केविन को ही पाल. आ गया ना अपने औकात पे, क्योंकि सबको पता है कि विला में सबसे ज्यादा केविन ही भौंकता है. मैं किसको करूं? किसको करूं? अदिति, व्हाट आर यू डूइंग? अदिति ने गंदा कर दिया. मूर्ति की तरह खड़ी हुई थी. यू डिसलाइक मी. सच में मैं चली जाती. लाइक मी. पागल औरत. ये लड़की पागल है, पागल है, पागल है, पागल है. ये मैं कर लेती. शर्म नाम की चीज नहीं थी. मेरा तो दिल कर रहा था पीछे से इसको पत्थर फेंक फेंक के मारूं इसके सर पे. केविन, यू विन. यस, गुड जॉब. वाओ, बहुत अच्छा काटा. मुझे 14 इंजेक्शन लगवाने ही पड़ेंगे. अगला चैलेंज है लंगूर पे अंगूर. अंगूर पे अंगूर. आपका है? यस सर. मुझे पढ़ते ही समझ आ गया था ध्रुव तुम्हारा ही. लंगूर पे अंगूर. दिखता ही बंदर है, मतलब शक्ल ही इसकी बंदर वाली है. बहुत आसान है. एक लड़की लड़के के कंधे पे होगी और दूसरी लड़की दूर से अंगूर फेंकने की कोशिश करेगी जो लड़की ऊपर है उसके मुंह में. जिसने एक मिनट में ज्यादा अंगूर डाल दिए मुंह में वो जीत गए. Who wants to challenge? Everybody's challenging. Team Dhruv, आप डिसाइड करो जल्दी. इतना टाइम नहीं और बस. सर केविन. टीम कैट. केविन और ध्रुव की आपस में सेटिंग थी कि तू मुझे सेलेक्ट करेगा, तू मुझे सेलेक्ट करेगा, ताकि जय और व्योम के पास से आए ही ना बारे. मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बट चलो हमारे को उसने सेलेक्ट करा. Are you ready? 3, 2, 1, go. शुरू हुआ. ये लंगूर पे अंगूर नहीं, लंगूर पे लंगूर.
लग रहा था मुझे। तो मेरी एक्स कनेक्शन थी, उनका तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। टक, 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 तुम देख ही नहीं रही हो, तुम गाल कर रही हो, एक यहाँ जा रहा है एक वहाँ जा रहा है, क्योंकि उनका जो दिमाग है वो उनके घुटनों में है। अरे रिया इतना ऊपर नहीं, रिया ऊपर नहीं इतना। 30 seconds up. It was very difficult because Palak ji was just like itni mein thi wo, and I was like please open your mouth wide. Yes Palak. Yes, we got one. I was so happy and so proud of my girl. Can't do it. Riya upar nahi tha. एकदम फोकस हो गई इनको, उन्होंने निंजा की तरह शक 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 मारा एकदम। और पलक भी आम मॉम पंजाबी लड़की खा रही है एकदम मजे में। फिर भी ठीक गया, मैं थोड़ा सा और खा लूं। नहीं आजा नीचे आजा। कैट बीट्स रिया एनी डे एनी टास्क। इट वाज ब्यूटीफुल टू वॉच क्योंकि माय गर्ल किल्ड इट एंड द गर्ल डिडंट। नेक्स्ट जबान संभाल के। Is it yours? Yes. Okay. Who wants to challenge them? Play fair, Kevin. Play fair. You're saying play fair. Yes, I'm saying. You're saying play fair. Yes, bro. मैंने केविन की तरफ देखा and Kevin gave me that really bad look. जैसे कि जो look मैं शिवम को देता हूँ, वो look मेरे को केविन से मिला। पता नहीं क्या हुआ। We'll talk about it, bro. Okay. We'll play. Things have changed. Very much. A lot. बहुत बदल गया। कल तक तो दोस्त थे ये लोग। आज भी थे। I don't know what happened. आज भी थे। आज भी थे। But task में, we'll see the true colors of people. मैं उसको अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था। And मेरा दिमाग के दोस्त चाहिए थे कि why is Kevin fighting with me? I don't care who I have to go against. I don't care if they're my friends, my enemies. I don't give a shit. I'm here to win. I showed you now that one. When we were playing, and jumped on it, no, yeah, when you had a chance. I know, but it... Koi nahi, bhai, koi nahi. Lag raha tha ki Kevin pissed ho chuka hai usi Vyom ki ek harkat ki wajah se. Oh! No. Come on, Dhruv. Just because of one grudge, one stupidity by Vyomesh, sara game palat gaya. Dhruv. You know tongue twisters? Red roses for Ruby, red rubies for Rosie. Black rose. जिसने ये एक मिनट तक सही तरीके से बोला, अच्छी तरह से बोला, वो जीत जाएंगे। तो ध्रुव, being a singer, वो बहुत confident था। I knew I was losing. I thought I'll just give it my best. First, ध्रुव, 3, 2, 1, go. Red roses for rubies, red rubies for Rosie. Red roses for rubies, red rubies for Rosie. Red roses for rubies, red rubies for Rosie. और बोल रहा है एकदम मस्त बोल रहा है, थोड़ा स्लो बोल रहा है पर एकदम, पर वो बहुत अच्छा बोल रहा है। Red roses for Ruby, red rubies for Rosie. Red roses for Ruby, red rubies for Rosie. Time. Wow, amazing. Ready? Go. Red roses for Ruby, red rubies for Rosie. 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 He took it a notch higher and he started rapping that tongue twister and started like showing his moves and grooving. Red roses for Ruby, red rubies for Rosie. Red roses for Ruby, red rubies for Rosie. Red roses for Ruby, red rubies for Rosie. Clearly, Team Cat wins this one. Impressive by both guys. Next. Blind dating. बहुत सिंपल है, यहाँ पर पांच लड़के हैं, दोनों टीम में से एक एक लड़की आगे आएंगी, पांचों लड़कों के हाथ को टच करेंगी और बताएंगी कि ये हाथ किसका है, और पांच में से जिसने पहले दो सही जवाब दे दिए
वो जीत जाएगी। ऑफ कोर्स ब्लाइंड डेटिंग है तो आपके आंखों पे पट्टी बंधी होगी। ब्लाइंड डेटिंग हमारा चैलेंज था और हमने चैलेंज किया व्योमेश को, उसको भी एक एहसान दे ही दिया। देखते ये भी रिटर्न आता है या ये भी बाकियों जैसा निकलेगा। आपका है? Yes. कौन जा रहा है? आसमा आपकी टीम से? अरे लड़कों के हाथ टच कर रहे, तो मैं जा रही हूँ। हो जा तू। आपकी टीम में से कौन जा रहा है? व्योमेश? भूमिका। भूमिका, ओके लेट्स गो। आंख पे पट्टी बांधी जाए। छोटा पैकेट बड़ा दिमाग का। आसमा को परफॉर्म करते हुए देखने में मुझे बड़ा मजा आता है और मैं देखना चाह रहा था कि आसमा परफॉर्म कैसे करती है। चल आजा। मुझे तो पता नहीं था कितने लड़के खड़े हैं, क्या था, कुछ भी नहीं समझ आ रहा था क्योंकि ऑलरेडी ब्लाइंड फोल्ड कर दिया था। Your time starts now. ये हाथ लग रहा है। मैम ये मेरे को वो लग रहा है, वो पतला सा है ना, त्रिवांग। त्रिवांग? आसमा ने त्रिवान को त्रिवांग बोला, मतलब गवार गैंग। Why are you all so गवार? ये इतनी नस वाला हाथ है, बाप रे। ये तो शिवम ही लग रहा है मुझे। ये वाला भी वैसा ही हाथ है यार। चम चम करे और बोले ये कलाई मेरे हाथों में, मेरे हाथों में, मेरे हाथों में खनकता जाए रे। वो गैरी लग रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मैंने बारी बारी सब लड़कों का हाथ देखा, किसके हाथ पतले किसके मोटे। बहुत प्यारी सी फीलिंग आ रही थी। मजे बाद में ले लेना, पहले टास्क कर लो। ये तो बहुत पतला सा, ये निखिल होगा। आगे आगे जाओ। हाथ तो और पतला है, ये वाला हाथ है निखिल का, ये हाथ बहुत पतला है। I was like, अरे यार ये तारीफ है, ये बेइज्जती है, ये क्या है, मेरे को कोई समझा दे प्लीज यार। उसने किसी और लड़के का सही नहीं बताया था रे। त्रिवान, गैरी, शिवम, सामर्थ्य करके होते उड़ गए पुर करके। भूमिका honestly didn't have a connection with any of the guys, but वो सबके नाम सही बोल रही थी। गैरी, ये कब हुआ, इसको कैसे पता सब लड़कों का, मतलब मेरे को नहीं पता, मेरे वाले कभी नहीं, अभी मुझे अच्छे से पता होगा, तो तुझे सबके कैसे पता। भूमिका क्या तुम रात को जब सब सो जाते हैं तुम सारे लड़कों के हाथ चेक करती हो, तुम क्या करती हो? आई नीड टू प्रोटेक्ट माय मैन फ्रॉम भूमिका। Bhumika, you got Shivam right, Sam right, and she already had you like beat by a couple of minutes. Well done, Bhumika. मैं अपने आप से भी खुश थी और थोड़ी शर्म भी आ रही थी अपने ऊपर, लेकिन अच्छा भी लग रहा था कि चलो जीत गए। मैं भूमिका जैसी नहीं हूँ ना, वो तो बोल भी रही थी कि फर्स्ट डे पे मैंने सबके हाथ फील किए थे और मैंने तो कभी किसी का हाथ टच भी नहीं किया। Next one. Yummy, yummy. पार्टी इन माय टमी। कोई भी लड़की को आपकी टीम में से एक पूरा ग्लास स्पाइसी रसम का पीना है। मैं बहुत नर्वस थी बिकॉज मैं लाइफ में भी अगर ज्यादा स्पाइस खा लेती हूँ तो माय फेस टर्न्स इनटू अ टोमेटो एंड आई एम जस्ट नॉट वेरी गुड विद स्पाइस। ओके, हु हैव यू पिक्ड कैट? व्योमेश। व्योमेश, सारे ग्रुप वाले लोग बहुत अनॉयड थे क्योंकि हम ध्रुव को बार बार लिए जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि लेट्स गिव व्योमेश की टीम को एक चांस। कौन सी लड़की आ रही है? नो, व्योमेश। ओ, भूमिका। भूमिका, एंड यहाँ से कौन आ रहा है कैट आपकी टीम से? आई विल डू इट। मुझे ये लगा उस टाइम कि अगर ये भी हम हार गए तो वी विल लूज अनदर 2 पॉइंट्स, सो आई वाज लाइक ओके लेट मी टेक द रेस्ट। रेडी, 3, 2, 1, गो। Yummy, yummy, party in my tummy. Party in my tummy, ऐसा लग रहा था ज्वालामुखी in my tummy. Oh, hot, hot, oh, hot, hot, धूम के लगाए।
Akash, she's dropping it. Don't drop it, Bhoomika. I was cheering her up, but at the same time, मेरे को दिख रहा था कि भूमिका के मुंह से मतलब थोड़ा थोड़ा गिर रहा है एंड वहीं पे दूसरी साइड पे कैट धीरे धीरे पी रही है. That cat do. कैट ने ऐसे पीना स्टार्ट किया जैसे पानी हो और वो रोज पीती हो. मैं बोल रही थी यार आप लोग मिर्ची डालना भूल गए क्या? इसकी शक्ल पे मिर्ची क्यों नहीं दिख रही? साइड में भूमिका वॉज लाइक लिटरली इतना पिए जा रही थी वो, मुझे लगा कि वो जीत गया. एंड आई रिमेम्बर मेरा इतना था जब भूमिका को बॉटल ऑलमोस्ट एम्प्टी हो गया था. एंड मैं छोड़ रही थी, मैंने सोचा कि वो जीत ही गई है. लाइक लेट मी नॉट पुश माय सेल्फ मोर. फिनिश इट, जस्ट डोंट ड्रॉप इट, जस्ट डोंट ड्रॉप इट, फिनिश इट. ऑल द थिंग दैट वाज गोइंग इन माय बॉडी, इट वाज मेकिंग माय ब्रेन गो नम. एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड, एंड आई जस्ट फिनिश दिस सिम. सनी डिसाइड, बोथ फिनिश्ड इन 1 मिनट. 1 spilt it a little bit, 1 did it clean. Yeah, with a clean. Cat, you win. Very good, Cat. Okay. Wow, Cat. Congratulations on the 2 points. Yeah? How was it? How was it? Just yak it out. मेरी और कैट की हालत बहुत खराब थी, जलन हो रही थी पेट पे. कैट, she was feeling very sick, so I just want to stand there with her and give her support and tell her you did great, क्योंकि बहुत अच्छा से परफॉर्म किया था. जादू होता है तू जो मिले. I was really low, I was crying. And I could see like Kevin standing there. He was just helping me. And he was there. It just made me feel really good. Agla wala challenge hai. Lela Lela chillaunga. Hamara hai. Aapka hai? Haan. Chillaunga. Wo to tu chillaega mujhe pata hai. Lela Lela chillaunga. Kurta phaadenge. Kaun challenge karna chahta hai inko? Dhruv. Dhruv. जब हमने देखो दो दिया यार. चांस तो दे ब्रो. भाई इट्स नॉट अबाउट द टास्क, अभी जेन्युइनली स्पीकिंग मैं खड़ा था हर चैलेंज में अपना हाथ ऊपर करके कि मेरे को बारी दे दो, इवन आई वांट टू परफॉर्म. योमेश एक बारी कर लूँ ना. योमेश ठीक है सर. व्योम व्योम व्योम. थैंक यू. बहुत इजी है. ओके एक पॉइंट होगा जहां पर आपको एक कुर्ता पहन के लड़कियों तक भाग के जाना है, लड़कियों को वो कुर्ता फाड़ देना है. 5 कुर्ते हैं, जिसने पहले ये 5 कुर्ते फड़वा लिए वो टीम जीत गई. सिंपल. इस पूरे चैलेंज के दौरान लड़के को लैला लैला चिल्लाना है. लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के. All right, ready? 3, 2, 1, go! I'm straight. Good job! Jaldi pen, jaldi pen! Go pen, go pen. Aja, aja, aja! Wear it hard. यही तो चीज देखनी थी मुझे कि दोनों भाई आपस में कैसे लड़ते हैं, कुत्ते बिल्लियों की तरह कैसे ये कंपटीशन आगे बढ़ेगा. जिस तरह से ध्रुव ऐसे कर कर लैला लैला चिल्ला रहा था, मेरी हंसी नहीं रुक रही थी. लड़के ऐसे ऐसे करके फाड़ दिए, एकदम लड़कियों को मजा आ रहा है उठता फाड़ने में. नहीं 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 उतरा नहीं है. वापस आ जल्दी. जल्दी से जल्दी से. ध्रुव वेयर इट हार्ड. ऐसे करके एकदम व्योम भाई ने ऐसे कुर्ता डाला तो भाई दिक्कत तो नहीं थी, वो कुर्ते में घुस ही नहीं पा रहा था भाई, वो घुस ही नहीं पा रहा था. अजीब लग रहा था यार, मेरे को ना कि यार एक
चैलेंज मिला इसको तो तू ठीक से कर ले, इतना मोटू बन रखा है, फालतू का दिमाग खराब। पहन के वापस जाओ। दूसरा कुर्ता भी ड्रोव मेरे से आगे चल रहा है, वो एक कुर्ते के लीड में है मेरे से, एंड यहाँ पे मेरा दिमाग हो गया कि भाई आई कैन नॉट लूज दिस टास्क। पूरा 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 जल्दी। हाँ अरे मेरे को बहुत टाइट है यार ये कुर्ता। अगर लेट हो रहा था करने में, मैं और अवंतिका बिल्कुल लेट नहीं थे फाड़ने में, मैं और अवंतिका तो बिल्कुल बिल्ली बन रखे थे। अरे जल्दी पहन, शादी में नहीं जा रहा, जल्दी पहन। कुर्ता फटे पहनते हो या कुछ हो, मैं मारूंगा जान, हाथ को सहूंगा अंदर और भागूंगा सीधा। कुर्ता इतना क्लोज था कि ऑलमोस्ट दोनों के कुर्ते साथ में फटे, साथ में उन्होंने उतारा। इट वॉज अमेजिंग। आप बीच में पीछे रह गए थे बट यू कॉट अप। एंड में इतना क्लोज था, हमने रिप्ले भी देखा। इट वॉज अ ड्रॉ। यू गेट योर 1 point फॉर चैलेंजिंग, यू गेट योर 2 points for actually completing it well. Agla challenge, Unchi hai building. Vyom, you know who to choose. Vyom ka hai. Kisko choose karoge aap? Dhruv. Ye sahi hai. Wo bhi tere ko choose kar rahe hai. Ye bhi tere ko choose kar rahe hai. Wow. Pyar. It's amazing. स्टार्टिंग में जब ये टास्क चालू हुआ ना, तभी मेरे पास व्योम ने और केविन ने ऐसा किया, बोला ब्रो फेयर गेम खेलेंगे, दिख रहा है, दिख रहा है। ओके, ऊंची है बिल्डिंग, आपको एक बिल्डिंग बनानी है ब्रिक्स के साथ, जिसकी बिल्डिंग एंड में सबसे ज्यादा ऊंची है वो टीम जीत जाएगी। मैं बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट थी क्योंकि व्योमेश तो 20-30 सीन तो क्या, आई वाज लाइक भाई ये तो 100 ईंटे अपने ऊपर लेकर चढ़ जाएगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, गो गो गो। जैसे मैंने बोला है वैसे मैं हल्का सा भी नहीं लूंगा। अरे दो दो तक जानवी और रिया ने दिमाग लगाया नहीं, सोचा कि एक के ऊपर एक लगा देंगे हम और वो खड़े हो जाएगा। रिया रिया जैसे बोला है वैसे बिल्डिंग बनाने चले, लेकिन अपना दिमाग का माला तो चेक करो यार, दिमाग का माला खाली है तो तुम्हारी बिल्डिंग कैसे बनेगी। एक के ऊपर एक रखना, एक के ऊपर एक। मैंने और अवंतिका ने स्मार्टली प्ले किया और हमने दो दो के साथ एक बेस बना के दो दो के साथ जैसे वैसे बनाना शुरू किया। I think you're already winning if you have just those many. जैसे मैंने बोला वैसे रखो ना। सारा दिमाग तो मेकअप में ही लगता है क्या तुम्हारा? चैलेंज करने क्यों आए हो जब दिमाग नहीं है? Time up, leave it. Let's see what's happening. Leave it. Team Umesh wins. सबसे बड़ी बेवकूफ रिया, मुझे पता था इनके पास दिमाग है नहीं, और जो यही सारी चीजें थी उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया था इनसे दूर होने के लिए। Save your marbles. किसका है? Team Cat. कौन कौन चैलेंज करना चाहता है? Who have you picked, Cat? Umesh. Oh, Umesh. मुझे काफी गुस्सा आ रहा था कि ये आपस में भेड़ चाल में चल रहे हैं और टक्कर के लोगों को
चैलेंज नहीं दे रहे हैं तो दे ऑल आर लूजर्स। बहुत इजी है, एक मिनट है आप लोगों के पास। आप तीनों को एक चेन बनना है। जो पहले टीम मेंबर होंगे वो अपने मुंह में एक चमचा पकड़ के एक मार्बल रखेंगे, उस पे वही मार्बल वो दूसरे टीम मेंबर को पास करेंगे उनके चमचे में, और वही वो तीसरे को करेंगे, और तीसरे को एक बोल में डालना है। एक मिनट के बाद किसने अपने बोल में ज्यादा मार्बल्स इकट्ठे किए वो टीम जीत जाएगी। जो लड़ाई था मेरा और व्योमेश के बीच में, I was very mad at him and my goal was to make him lose. क्योंकि जो उन्होंने किया बोर्ड्स के ऊपर, that really pissed me off. Ready? 3, 2, 1, go! All the best, guys. Guys. Go for it. चल। ये का। चलो। मैं इसे बार बार यहाँ अटकाया हुआ स्पून को मैं कर रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ कि निकले, उठे वो उठे और वो उठ नहीं रहे थे। चलो। चल पलक, शाबाश। पलक काफी अच्छे से टास्क परफॉर्म कर रही थी और वो उनके साथ फेयर खेल रही थी। स्लो स्लो पलक, स्लो वेरी नाइस वेरी नाइस। शाबाश ब्रो, वेरी गुड पलक, वेरी गुड पलक, गुड गोइंग। चल बहुत बढ़िया पलक, अमेजिंग 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 अमेजिंग। इजी इजी, नो गुड कैप कैप, गुड फोकस फोकस कैप, शाबाश, वेरी गुड पलक, वेरी गुड यार, वेरी नाइस कैप, गो, बहुत बढ़िया। केविन और उनका स्टार्ट काफी अच्छा था, उनकी कंसंट्रेशन फोकस काफी अच्छा था, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। वेरी नाइस कैप, गो, बहुत बढ़िया। ओमेगा तो उठ ही नहीं रहा था। ओमेगा तो वहां से खड़ी है, नाम नाम कर रही है, पर एक भी मार्बल नहीं आ रहा, एक भी नहीं। क्या कर सकते हैं जब ऐसे बेकार लोगों को आप चूज करोगे व्योमेश, तो आपके साथ ऐसा ही होगा। भूमिका से नहीं हो पा रहा था तो हमने स्विच किया, बट क्योंकि हम इतना पैनिक हो चुके थे उनको देख के कि उन्होंने इतनी लीड ले ली है, तो आई डोंट थिंक देयर वाज एनी वे कि हम कम बैक कर पाते। 5 सेकंड्स, वी विल डोंट टच हैंड। 3, 2, 1, ओवर। अरे अच्छा, उन्होंने एक भी नहीं करा, उन्होंने एक भी नहीं करा। तो दे कुडंट लिटरली डू वन सिंगल मार्बल। आई वाज लाइक वाओ, हम जीत गए। Congratulations team cat, you get another point. Hard luck Vyomesh. तो अपना points रखता है और दूसरा की points भी छीनता है, ऐसे हम जीतता है। Cat, you have 9 points. The second is Dhruv with 6. Third is Vyomesh with 4. And Asma, you're 2. Congratulations team cat, you're first. Congratulations team Dhruv, you guys are second. It's working out for me. Mera jo lady luck tha, bahut real tha. Aur jo bhi ho raha tha, itna acha se ho raha tha. I was blessed. Kevin has very big ego and jaise tune khela, that's not the way how friends play. We acted was like a kid. To bahut disappointed tha main. मैंने केविन और कैट को इसलिए चूज किया था बिकॉज मुझे उसको हराना था, और ये एक घटिया सस्ता एमएमए फाइटर अपने आप को फाइटर बोलता है, काय की फाइट, ये तो आपस में ही फैमिली में ही खेल रहे थे। सबने धोखा दिया मुझे, केविन, व्योमेश, ध्रुव, एक एक को याद रखूंगी और नागिन बन के डसूंगी।